बार बार किसका फोन आ रहा है ये? रानी, ये लो जूस पी लो। तुमने कुछ खाया पिया नहीं है? नहीं, बिल्कुल मन नहीं है। थैंक यू। जानते हैं कि मन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने सारे गलती का बोझ अपने सर पे ले लिया है। भाई ने तो सही कहा था, गलती किसी से भी हो सकती है। और अगर तुम इतनी परेशान हुई ना, तो वहां रखे गुलाब जामुन ना मुरझा जाएंगे। चलो ना, खाते हैं। बेस्टी, तुमको क्या हो गया? फेस एकदम टिल्लू पिल्लू जैसा क्यों बनाया ऐसा? यू नो ना कि मेरे वजह से रुक्मणी दीदी के स्पेशल डे पे भी वो सैड है। आइडिया, हेड्स या टेल्स, बोलो। हेड्स या टेल्स मतलब? जैसे जब हम कंफ्यूज होते हैं तो उसे ना कॉइन को हवा में उछालते हैं और अपनी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ऐसे ही तुम सैड का ना फ्लिप साइड कर लो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लो। तो बोलो, हेड्स या टेल्स? राघव, थैंक यू। तुम ना हमेशा मुझे कोई ना कोई अच्छा रास्ता दिखा ही देते हो। थैंक यू रानी। अपनी होने वाली साली हुए काम आधी घरवाली की नजर तो उतार ले। का नाची है, वाह, दिल चुरा लिए सबके। वाओ, दीज आर सो प्रिटी। कहाँ से लिया तुमने? मुझे भी एक चाहिए। ये तो मैं बस घर पे ही बनाती हूँ। मुझे इन चीजों का बहुत शौक है यार। मैंने घर पे बैठे बैठे DIY किया है। आपको भी चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए बना दूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच रिवाज, आज तुमने सब कुछ संभाल लिया। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। वरना मुझे तो लगा कि आज रानी के चक्कर में हमारी सगाई डिले ना हो जाए। कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत किया करो। थैंक यू। ताशी, हमारी स्वीट सिस्टर, अपने भैया और भाभी के साथ फोटो नहीं खिंचवाओगी का? इतने खास मौके पर सबसे पहला हक फोटो खिंचाने का बहन का ही तो होता है, है ना? पहला दूल्हे की, दूसरी दुल्हन की। मतलब हमारी साली साहिबा, आओ आओ। अब हमारी मिसेज की फैमिली की बारी। हम एक लौती साली, साली आधी घरवाली होती है, सबकी लाडली। मैं भी सबका लाडला। स्माइल। ए, एक और, एक और, हाँ स्माइल। अभी नेता जी कैसे हैं? ताशु, मैं ना रसमलाई खाने जा रहा हूँ। अब एक सेकंड भाई, मैं भी आती हूँ। चल हम भी सेल्फी लेते हैं। चल ना, ये एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे सेल्फी लेते हैं। आजा। तू मेरी
सिंगल लेना जा। दिखा कैसी है ये, दिखा ना। छी यार कितनी डार्क आई है। एक मिनट रुक, इसमें खींच, इसमें बहुत अच्छी आएगी। दीदी ये क्या कर रही हो? ये तो रिवाज का फोन है ना। दीदी देखो ये बहुत गलत बात है, किसी को पूछे बिना नहीं लेना चाहिए किसी का फोन। अरे चुप कर, हम दोनों की शादी होने वाली है और हमारे बीच में कैसी फॉर्मेलिटीज। उसका फोन मेरा फोन, वो भी हक से। अब खींच मेरी फोटो। जिसका भी हो बाद में उठाना, पहले फोटो खींच।